टॉप फोर बेस्ट रियलमी ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 16,000। अगर आपका बजट 14 से 16 हज़ार के बीच में और इस प्राइस रेंज में आप रियलमी का एक बेस्ट 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हमने इन चारों स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इन चारों में से किसी को भी अपने यूज के हिसाब से खरीदते हैं तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ ये चारों स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो गेमिंग हो, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप या फिर डिस्प्ले, सभी फीचर्स में काफी अच्छा है, इसीलिए ऑलराउंडर स्मार्टफोन में आता है ये चारों। तो चलिए इन सभी फोन के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं, तो जरूर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर पर फोन आता है वो है रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G। काफी अच्छा फोन है, चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो इस फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, गुड लुकिंग का स्मार्टफोन है, काफी प्रीमियम लुक देता है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा इसका डिजाइन। चलिए मेन फीचर्स की बात करते हैं, तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन में 6.5 इंच का एक बड़ा सा IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 600 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 को यूज किया गया है। काफी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। गेमिंग के लिए डिस्प्ले काफी अच्छा है, काफी स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो स्क्रोलिंग वगैरह काफी फास्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो एप से एग्जिट होना हो या फिर एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना हो। तो डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है, हाई पीक ब्राइटनेस के चलते आपको डिस्प्ले पे ब्राइटनेस इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। और कैमरे में भी फोन परफेक्ट है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा काफी परफेक्ट दिया गया है, 16,000 रुपए के प्राइस तक में ये फोन मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है जो कि काफी स्पेशल है, क्योंकि 16,000 रुपए के प्राइस तक वाले 5G फोन में जल्दी आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया। और अच्छी बात यह भी है कि इसके रियर कैमरे से आप 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, और फ्रंट कैमरे से 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है, नाइट मोड, पैनोरमा, स्लो मोशन, HDR जैसे फीचर्स मिलता ही है। तो कैमरे में इस फोन की तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया, उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 30W का चार्जर मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड ठीक ठाक मिल जाएगा एवरेज साथ, बैटरी बैकअप भी एक दिन तक का मिलेगा। हैवी यूजर हैं फिर भी, नॉर्मल यूजर हैं तब तो आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। और दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन में आपको काफी फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगा और बैटरी बैकअप भी सभी फोन में काफी अच्छा मिल ही जाता है। एक फोन में तो 67W का चार्जर दिया गया, वो आगे बताएंगे आपको कौन सा फोन में मिलता है। फिलहाल इस फोन का बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड काफी तगड़ा मिलता है, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो MediaTek Dimensity 800U का 5G चिपसेट मिलता है, 7 नैनोमीटर पे बना है। प्रोसेसर में भी काफी पावरफुल मिल जाता है ये स्मार्टफोन। कैमरा और डिस्प्ले के अलावा कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम हो जैसे कि PUBG, फ्री फायर या फिर COD, इन सभी गेम को आप हाई ग्राफिक्स में 1-2 घंटा रेगुलर प्ले करेंगे, आपको कोई भी हीटिंग इशू फोन में देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीटास्किंग वगैरह को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो चौथे नंबर पे ये काफी अच्छा 5G फोन है रियलमी की तरफ से, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है रियलमी 8 5G। काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये, काफी थोड़ा पुराना देखने को मिलता है, 2022 में ये लॉन्च हुआ था। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में ये फोन एवरेज देखने को मिलता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि काफी प्रीमियम लुक देता है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि डिजाइन बेस्ट नहीं है, मतलब कि आपको काफी ठीक ठाक डिजाइन देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में मिलता है। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। 6.5 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 600 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी मिल जाता है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास को यूज किया गया है। वैसे ये फोन 15,000 रुपए के प्राइस में अभी मिल रहा है, लेकिन इस फोन का जो प्राइस वो घटता बढ़ता रहता है, तो 15,000 रुपए के नीचे भी जैसे ही जाता है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले काफी परफेक्ट मिल जाता है, स्क्रोलिंग वगैरह काफी फास्ट देखने को मिलेगा, गेमिंग काफी स्मूथली कर पाएंगे। और इस फोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, डेप्थ सेंसर, फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फी कैमरा काफी अच्छा दिया गया है, और जो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ है उसका कोई यूज भी नहीं है, उतना अच्छा वर्क भी नहीं करता है वो। तो कैमरे में भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। फीचर्स में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा जैसे फीचर्स मिल ही जाता है। तो कैमरा भी काफी ठीक ठाक दिया गया है। चलिए बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन दोस्तों उसको चार्जिंग के लिए ओनली 18W का चार्जर दिया गया है, तो चार्जिंग स्पीड एवरेज से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर 33W का चार्जर होता तो और भी बेस्ट होता, बट आपको जो बॉक्स में 18W का चार्जर दिया गया है, लेकिन हाई स्पीड वाले अडाप्टर को सपोर्ट करता है ये फोन, तो आप अलग से भी यूज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। बाकी बैटरी बैकअप में तो कुछ कहना ही नहीं, 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिलेगा, हैवी यूज करते हैं फोन को फिर भी। परफॉर्मेंस के लिए काफी पावरफुल चिपसेट मिलता है। MediaTek Dimensity 700 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, 7 नैनोमीटर पे बना है। तो परफॉर्मेंस में भी काफी ठीक ठाक मिल जाता है ये फोन। PUBG, फ्री फायर, फिर COD जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप मीडियम सेटिंग में 2 घंटा रेगुलर प्ले कर सकते हैं। सभी फोन में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप फोन को एवरेज यूज करते हैं तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। ज्यादा गेमिंग वगैरह करेंगे तो इसमें आपको जो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल एक नॉर्मल यूजर के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है ये, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। ये फोन आपको 14,000 रुपए के प्राइस तक में मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है रियलमी
रियलमी 11X 5G काफी लेटेस्ट स्मार्टफोन है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस फोन में भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको लेटेस्ट वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, काफी कैमरा परफेक्ट है, डिस्प्ले और बैटरी बैकअप सभी प्राइस के हिसाब से बेस्ट मिलता है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस फोन का काफी बेस्ट मिलता है, काफी प्रीमियम लुक देता है। रियलमी का जितना भी अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहा है सब डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन का हाईलाइटेड फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.72 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है इस फोन में, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 680 निट तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है। अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जो ज्यादा मूवीज देखते हैं या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा सा डिस्प्ले है तो मूवीज वगैरह देखने में आपको काफी आनंद आएगा। स्मूथली गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छे से प्ले कर पाएंगे डिस्प्ले पे। और इस फोन के बैक पैनल पे डुअल कैमरा का भी सेटअप दिया गया है। 64MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा मिलता है। कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। लो लाइट में अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो क्वालिटी में आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगा। अगर डे लाइट में फोटो क्लिक करेंगे तो क्वालिटी आपको काफी बेस्ट मिलेगा। 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। 5000mAh का बैटरी दिया गया है, चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर। तो बिना डाउट के कह सकते हैं कि हैवी यूजर के लिए फोन एक दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से देगा। नॉर्मल यूजर हैं, ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं और थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, उनके लिए 1.5 दिन से ऊपर ये फोन बैटरी बैकअप देगा। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में आपको कोई भी शिकायत का मौका इस फोन की तरफ से नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का 5G प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट प्रोसेसर है। अभी रियलमी का जितना भी फोन आ रहा है सभी में यही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, मल्टीटास्किंग को आप काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। परफॉर्मेंस में काफी अच्छा फोन है, बैटरी बैकअप चार्जिंग स्पीड भी बेस्ट मिल जाता है। डिस्प्ले का तो कुछ कहना ही नहीं, हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बड़ा सा है और कैमरा भी अच्छा मिल ही जाता है। तो काफी बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है ये रियलमी की तरफ से। 15000 रुपए के प्राइस तक में ये फोन आपको मिलेगा, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। और टॉप पे आ जाता है रियलमी 11 5G, काफी बेस्ट फोन है ये। सभी फीचर्स में ये फोन काफी अच्छा देखने को मिलता है, चाहे वो बैटरी हो, डिस्प्ले, चार्जिंग स्पीड या फिर प्रोसेसर। 16000 रुपए के प्राइस में बेस्ट ऑलराउंडर फोन में आता है टॉप पे, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। चलिए इस फोन के बारे में हम मेन फीचर्स की बात करते हैं। तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन में भी 6.72 इंच का एक IPS LCD बड़ा पैनल दिया गया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 680 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस दिया गया है, तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है। अगर एमोलेड होता तो और भी बेस्ट होता, लेकिन दोस्तों 16000 रुपए के प्राइस है और उसमें जो है 5G मिल ही रहा है, तो आपको एमोलेड तो जल्दी किसी फोन में देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, रियलमी नार्जो 65G का स्मार्टफोन है जो 16000 रुपए के प्राइस में आता है और उसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आप रियलमी नार्जो 65G के साथ जा सकते हैं। इसका डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये। स्क्रोलिंग काफी फास्ट मिल जाता है, डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इस फोन में डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 108MP का मेन सेंसर है, 2MP का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए भी 16MP का कैमरा दिया गया है। 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से। कैमरे में भी एक फोन काफी अच्छा है, जिन्हें जो 108MP वाला कैमरा फोन चाहिए 16000 रुपए के प्राइस में, उसके लिए काफी अच्छा है। कैमरा में उन सभी फोन से थोड़ा सा बेस्ट देखने को मिलता है ये। बाकी बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में तो इस फोन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। 5000mAh का बैटरी दिया गया, उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 67W का चार्जर मिल जाता है। 20 से 25 मिनट के अंदर ही 0 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे, तो चार्जिंग स्पीड आपको काफी फास्ट मिल जाता है। अगर आप फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ एक बड़ा सा डिस्प्ले वाला फोन चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। और परफॉर्मेंस के लिए वही लेटेस्ट वाला प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का 5G प्रोसेसर है, 6nm पे बना है। ये काफी पावरफुल प्रोसेसर माना जा रहा है रियलमी के सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन में, तो गेमिंग वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले, कैमरा, चार्जिंग स्पीड के साथ आपको प्रोसेसर भी काफी पावरफुल मिल ही जाता है, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं टॉप पे। ये काफी अच्छा 5G फोन है, 16000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो इन चारों में से अगर आप किसी को भी खरीदते हैं तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। कौन सा फोन आपको पसंद आया जो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।